महाराष्ट्र में शिवसेना और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच लड़ाई काफी पुरानी है। शिवसेना पहले से ही कंगना से बौखलाई हुई है और बस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब उन्हें कंगना पर हमला करने का मौका मिले और वो अपना पुराना हिसाब बराबर करे। सुशांत मामले पर जब कंगना ने मुखर होकर बोलना शुरू किया तब सबसे पहले कंगना का विरोध शिवसेना ने ही शुरू किया था और दोनों के बीच लड़ाई ऐसी शुरू हुई कि उद्धव ठाकरे ने कंगना का ऑफिस तक तोड़वा दिया। दरअसल शिवसेना और कंगना के बीच लड़ाई की शुरुआत पिछले साल हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर तारीख थी 25 जनवरी 2019 जब कंगना और संजय राउत के बीच ये जंग हुई थी। संजय राउत ने बाला साहेब की जिंदगी पर एक कहानी लिखी थी और इस मूवी का टाइटल भी रखा गया था ठाकरे। संजय राउत ने बाल ठाकरे के रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुनकर सबको चौंका दिया था, लेकिन जब ये पता चला कि उसी दिन रिलीज होगी कंगना की मणिकर्णिका तो लोगों को लगा कि अब तो खौफ के मारे अपनी रिलीज डेट बदल देगी, लेकिन कंगना ने ऐसा नहीं किया। उस दौरान कंगना भी गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म का लाभ लेना चाहती थी। कंगना कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। कई लोगों ने उन्हें समझाया भी कि ठाकरे परिवार या शिवसेना बुरा मान सकती है। शायद इस फिल्म के करदार संजय राउत बुरा मान भी गए हों, लेकिन ये कभी सार्वजनिक नहीं हो पाया। दोनों पक्ष बयानबाजी से भी बचते रहे। कंगना अपनी मूवी को लेकर काफी इमोशनल भी थी, वैसे ही ठाकरे परिवार भी था। ऐसे में कई मीडिया हाउस ने फिल्म की रिलीज से पहले और रिलीज के बाद भी दोनों फिल्मों की तुलना की तो कुछ लोग दोनों को अलग अलग जोनर की बताकर बच गए। वहीं जब दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नतीजे सामने आए तो कंगना की मूवी ने पहले दिन ही ठाकरे मूवी से दोगुनी कमाई की। बाद में कंगना की फिल्म ने बाजी मार ली और बाला साहेब ठाकरे पर बनी फिल्म पीछे रह गई। तभी से शिवसेना कंगना से नाराज बैठी है और कई मौकों पर कंगना का विरोध करती नजर आती है। हालांकि इस बार बात काफी आगे बढ़ गई है और दोनों के बीच जैसी स्थिति है सुलह की गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। वहीं शिवसेना के इस बदले की कार्रवाई का देश भर में विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी विवाद अब शिवसेना के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे चले थे कंगना रनौत से बदला लेने के लिए, लेकिन अब शिवसेना को बदला लेना महंगा पड़ रहा है। जिस बीएमसी को मोहरा बनाकर उद्धव ठाकरे ने कंगना का दफ्तर तोड़वाया अब उस बीएमसी के खिलाफ पूरा मुंबई हो गया है। मुंबई के लोग अब यही कह रहे हैं कि बीएमसी मुंबई की सड़कों का गड्ढा भरने में इतनी तेजी दिखाई होती तो आज मुंबई कर कोई इतनी परेशानी नहीं होती। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अब गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस भी सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया था। वहीं अब कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद उद्धव ठाकरे की नींद हराम हो जाएगी। निरुपम ने ट्वीट किया है कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तुरंत रोक लगा दी। पूरा एक्शन प्रतिशोध से उत्प्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डोमिनेशन न शुरू हो जाए। निरुपम ने ट्वीट में साफ लिखा है कि ये कार्रवाई गलत है और इसके बाद अब शिवसेना की महाराष्ट्र में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हालांकि अब लगता भी ऐसा ही है कि सीएम उद्धव ठाकरे के दिन पूरे हो गए हैं। एनसीपी पहले से ही शिवसेना से नाराज है और अब कांग्रेस भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। ऐसे में कंगना के चक्कर में अब गठबंधन सरकार में ही दरार पड़ती दिख रही है। वहीं कंगना और शिवसेना के बीच विवाद इतनी जल्दी खत्म होने नहीं जा रहा है, मतलब गठबंधन सरकार पर इसका असर जरूर पड़ेगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी है। हरियाणा से लेकर दिल्ली और राजस्थान में वाड्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। वाड्रा पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। यहां तक कि पिछले साल वाड्रा के विदेश जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। वाड्रा आज नहीं तो कल तिहाड़ जाएंगे, बस इंतजार कीजिए। एक और भ्रष्टाचार के मामले में वाड्रा पर सुनवाई चल रही है। मामला राजस्थान के बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि वाड्रा ने यहां भी भ्रष्टाचार किया। मामले को लेकर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभी वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं सिलसिले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। दरअसल ये मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, जिसकी ईडी में जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पार्टनर मॉरिन वाड्रा को एक चेक दिया था। इस चेक के द्वारा बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। इस पर कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। ये आदेश आगामी 5 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। लेकिन वाड्रा भले ही अभी गिरफ्तारी से बच रहे हैं, लेकिन कोलायत क्षेत्र में जमीन से जुड़ा मामला बड़ा है और वाड्रा पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में संभव है कि जल्द ही वाड्रा जेल में होंगे।
महाराष्ट्र में शिवसेना ने अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाकर मानो शिवसेना अपनी ही सरकार पर बुलडोजर चला ली हो। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के सहारे कंगना से बदला ले लिया है, लेकिन अब कंगना भी चुप नहीं है। उन्होंने देश भर में सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना मंगलवार से ही लगातार उद्धव ठाकरे को कोस रही हैं, लेकिन ठाकरे की पार्टी के पास अब कंगना के सवालों का जवाब नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर कंगना पर हमला करने वाले संजय राउत अब चुप्पी साध लिए हैं और उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। देश भर में अब आवाज सिर्फ कंगना रनौत की गूंज रही है और शिवसेना बिल्ली बनी हुई है। आज फिर कंगना रनौत ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उद्धव ठाकरे को ललकारा। अपने एक ट्वीट में कंगना ने लिखा, मैं अपनी मुंबई में हूँ, अपने घर में हूँ, मुझ पर वार भी हुआ तो पीठ पीछे जब मैं फ्लाइट में थी, सामने नोटिस देने की या वार करने की हिम्मत नहीं है मेरे दुश्मनों में, ये जानकर अच्छा लगा। बहुत लोग मुझे पहुंचाई हुई हानि से दुखी और चिंतित हैं, मैं उनके आशीर्वाद और स्नेह की आभारी हूँ। इतना ही नहीं, कंगना ने ट्वीट कर शिवसेना के बहाने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कंगना ने ट्वीट किया कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। वहीं कंगना ने उद्धव ठाकरे के लिए एक और ट्वीट किया जिससे देखने के बाद उद्धव ठाकरे के पसीने छूट जाएंगे। अभिनेत्री ने ट्वीट किया कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। हालांकि कंगना के इन ट्वीट और हमलों का शिवसेना के पास कोई जवाब नहीं है। कंगना ने अब ठान लिया है कि शिवसेना को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंक कर ही दम लेंगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवाकर उद्धव ठाकरे ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बदले की इस कार्रवाई के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार की पूरे देश में आलोचना हो रही है। सरकार में शामिल एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले से ही उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे की इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरासर बदले की भावना से किया गया है और अब उद्धव के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रदेश के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। राज्यपाल ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख एडवाइजर अजॉय मेहता को तलब किया है। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर गवर्नर केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने की भी योजना बना रहे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को सीएम के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार अजॉय मेहता को तलब कर सीएम के इस बेतुके सलूक पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक गवर्नर ने मेहता के जरिए सीएम को सख्त संदेश भेजा है। वही खबर ये भी है कि गवर्नर इस पूरे विवाद पर एक रिपोर्ट तैयार कर उसे केंद्र को भेजने की सोच रहे हैं। हालांकि अगर इस मामले में केंद्र दखल देता है तो उद्धव ठाकरे की परेशानी और बढ़ सकती है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही गवर्नर कोश्यारी और उनके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि इस बार कोश्यारी उद्धव ठाकरे को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट भेजने के बाद केंद्र क्या संज्ञान लेती है, क्या उद्धव सरकार के खिलाफ जांच होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्र द्वारा कंगना रनौत को वाई शेडी सिक्योरिटी दिए जाने से ये तो साफ हो गया है कि मोदी सरकार इस मामले पर चुप नहीं रहेगी। कंगना को सुरक्षा दिए जाने के बाद उद्धव सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी, ऐसे में कंगना पर मोदी सरकार के दखल से शिवसेना की बेचैनी जरूर बढ़ जाएगी। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस गिराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीएमसी की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार ने जिस बदले की भावना से कंगना का ऑफिस गिराया है, अब उस पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। चारों ओर से फंसने के बाद अब शिवसेना ने मामले पर चुप्पी साध ली है। संजय राउत से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कंगना के ऑफिस पर इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों हुई, लेकिन राउत के पास किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं है। राउत कह रहे हैं कि कंगना का दफ्तर बीएमसी ने तोड़ा, शिवसेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब संजय राउत से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने कार्रवाई की थी, इसका शिवसेना से कोई कनेक्शन नहीं है, आप इस मसले पर मेयर या बीएमसी के कमिश्नर से बात करें। उधर विवाद बढ़ने के बाद अब शिवसेना के अंदर चर्चा शुरू हो गई है। मंथन किया जा रहा है कि आखिर विवाद का निपटारा कैसे किया जाए। बताया जा रहा है कि वहां पार्टी के रुख को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कंगना रनौत एक कलाकार है और मुंबई में रहती हैं। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जो भाषा प्रयोग की वो उचित नहीं है।
अगर कंगना अपने शब्दों को वापस लेती हैं, तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता है। इस पूरे विवाद में शिवसेना सरकार की अच्छी खासी फजीहत हो रही है। इस पूरी खींचतान में गुरुवार को बाला साहेब ठाकरे की भी एंट्री हो गई। ट्विटर पर हैशटैग बाला साहेब ठाकरे लगातार ट्रेंड कर रहा है। दरअसल कंगना ने एक ट्वीट में बाला साहेब के अच्छे कर्मों का जिक्र करते हुए उद्धव पर सबसे तीखा तंज किया है। इस हैशटैग के साथ लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि अगर बाला साहब जीवित होते तो क्या शिवसेना का यही रुख होता। वहीं शिवसेना अब इस मामले से अपना पीछा छुड़ाने में भी लगी है। राउत के बयान से तो यही लग रहा है, कल तक कंगना को कोसने वाले राउत आज कह रहे हैं कि कार्रवाई बीएमसी ने किया है। शिवसेना की फजीहत करवाकर अब राउत ने कंगना के सामने सरेंडर कर दिया है। तो क्या मान लिया जाए कि कंगना के ऐलाने जंग से डरकर शिवसेना और संजय राउत अब एक्ट्रेस के सामने झुक गए हैं। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस तुड़वाकर शिवसेना अब खामोश हो गई है। शिवसेना अब कंगना रनौत से जुड़े किसी भी मुद्दे पर बसती नजर आ रही है। कंगना विवाद के मुख्य सूत्रधार रहे संजय राउत भी अब बयानबाजी करने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना की देश भर में हुई फजीहत से गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस भी नाराज है और उद्धव ठाकरे कैसे भी इस मामले से बाहर निकलना चाहते हैं। इस बीच शिवसेना प्रवक्ता और कंगना से जुबानी जंग के मुख्य किरदार रहे संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के लिए अब कंगना का एपिसोड खत्म हो चुका है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि कंगना के दफ्तर पर हुई कार्रवाई से कोई नाराज नहीं है। राउत ने मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ये बात कही। इस बातचीत के दौरान मीडिया ने उनसे कंगना रनौत के विषय पर सवाल किया तो राउत ने इस पर भी सफाई दी। राउत ने कहा, हम उस मुद्दे को भूल चुके हैं और हमारे लिए कंगना रनौत का एपिसोड खत्म हो चुका है। हम फिलहाल अपने दैनिक सरकारी और सामाजिक कामों में जुटे हुए हैं। इस सवाल पर कि उद्धव ठाकरे और उनके बीच क्या बात हुई, राउत ने कहा कि मैं पार्टी से जुड़े काम के सिलसिले में मुख्यमंत्री से मिला था। वहीं संजय राउत ने उस बात को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि कंगना रनौत के दफ्तर पर हुए एक्शन के कारण शरद पवार और सोनिया गांधी शिवसेना से नाराज हैं। राउत ने कहा कि मीडिया में ऐसा लिखने वाले लोगों के पास गलत सूचनाएं हैं। पवार साहब या सोनिया जी, किसी ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे की हुई मुलाकात से पहले मुंबई में उद्धव और शरद पवार की बैठक हुई थी। इस बैठक में पवार की सहमति से ये फैसला हुआ था कि शिवसेना अब कंगना रनौत के मुद्दे को कोई तरजीह नहीं देगी। माना जा रहा है कि पवार के दखल अंदाजी के बाद ही शिवसेना की अकल ठिकाने आई है। इससे पहले पवार ने भी बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया था और अब एक बार फिर सीएम ठाकरे को पवार ने आईना दिखाया है। शिवसेना के खिलाफ अब पूरा देश एकजुट हो गया है। शिवसेना ने गुंडई से कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा तो दिया है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गठबंधन में शामिल एनसीपी पहले ही शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है। वहीं मीडिया भी शिवसेना के इस कायराना हरकत की जमकर आलोचना कर रहा है। पत्रकार अर्णब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी तक ने उद्धव सरकार पर जमकर हमला बोला है। अर्णब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम पूछता है भारत में महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असत्य का बुलडोजर सच्चाई का किला नहीं ढा सकता है। उद्धव ठाकरे जी सुन लीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वो सिर्फ कंगना रनौत के घर पर हमला नहीं था, बल्कि ये सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगने वाले लोगों पर हमला था। अर्णब गोस्वामी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के घर पर जो तोड़फोड़ की वो बीएमसी की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि बदले की कार्रवाई थी। बड़ा घमंड था कौरवों को अपनी सेना पर, लेकिन अकेले भगवान श्री कृष्ण ने सबका घमंड तोड़ दिया। गोस्वामी ने कहा, एक वीरांगना से बदला लेने के लिए महाराष्ट्र की सरकार इस हद तक गिर गई। सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मूवी माफिया सब एक हो गए और कंगना पर अटैक किया इन्होंने। उद्धव ठाकरे सुन लो, अब तुम सिर्फ चंद हफ्तों के लिए सत्ता में रहने वाले हो, अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन लोगों की भड़ास से डरो। वहीं अर्णब के अलावा सुधीर चौधरी ने भी उद्धव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सुशांत के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पहले तो शिवसैनिकों ने उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू की, उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए और अब बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस का एक हिस्सा गिरा दिया। चारों ओर से घिरने के बाद अब उद्धव के मंत्री भी खामोश हो गए हैं। सांसद संजय राउत भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उद्धव ठाकरे की इस कार्रवाई की आलोचना की है। बड़ा सवाल है कि क्या शिवसेना और बीएमसी की इस कार्रवाई की जांच होगी और उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।